नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप भगवान गणेश जी का चित्र बनाना सिखाएंगे, वो भी कुछ नंबर और लेटर की हेल्प से। आपको करना क्या होगा, पहले आप मार्कर पेपर पेंसिल उठा लीजिए दोस्तों और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर आप पहले एक थ्री नंबर लिख देंगे। इस तरह आप एक थ्री नंबर लिखिएगा। थ्री नंबर लिखने के बाद आपको एक वन नंबर यहाँ पे लिखना होगा। जैसे जैसे हम यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं लेटर, और आप भी उसी तरह लिखते रहिए, तो आपको भगवान गणेश जी का चित्र बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यहाँ पे थ्री हो गया, फिर इसके बाद डबल वन नंबर, फिर यहाँ पर आपको बीच में एक वाई लेटर लिखना होगा। इस तरह आप वाई लेटर लिख दीजिएगा। वाई लेटर लिखने के बाद ध्यान से देखिएगा, आपको एक जेड लेटर लिखना है। इसी के जस्ट नीचे के साइड में थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए यहाँ पर एक जेड लेटर लिख दीजिएगा। ये हो गया थ्री डबल वन वाई और जेड लेटर। अब आपको इस थ्री नंबर को बहुत ही सावधानीपूर्वक डबल करना होगा। और दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जाकर भगवान गणेश जी की जय जरूर लिखिएगा। एक छोटा सा हाफ सर्किल यहाँ पर आप बनाइएगा, फिर इसके बाद आप इसको ऐसे डबल कर देंगे। डबल करने के बाद इस थ्री से आप वन नंबर को टच करिएगा। यहाँ पर भी आप ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट कर देंगे। फिर ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको नीचे के साइड में ले जाना होगा, इधर ऐसे मिला दीजिए। सेम आप जैसे आपने इधर किया, इसी तरह यहाँ पर भी रिपीट कर दीजिएगा। और इसको पेंसिल या मार्कर की हेल्प से आप ब्लैक कर देंगे। ब्लैक करने के बाद ऊपर के साइड में छोटा सा हाफ सर्किल, इधर भी हाफ सर्किल बनाइएगा और इसको आप आगे की तरफ यहाँ पर ऐसे बढ़ा दीजिएगा। इसी तरह सेम आप ऊपर के साइड में एक बार आपको और करना होगा, यहाँ पर ऐसे ले जाइएगा। फिर ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक छोटा सा हाफ सर्किल बनाइएगा, एक लाइन आप आगे की तरफ यहाँ पर ऐसे बढ़ा दीजिए, फिर इसके बाद इधर ऐसे आगे की तरफ छोटी सी लाइन बढ़ा दीजिएगा। ऊपर के साइड में छोटे छोटे आसानी से आप हाफ सर्किल बना देंगे। हाफ सर्किल बनाने के बाद एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करिएगा, फिर आगे के साइड में छोटा सा लिप्स बनाना होगा, छोटा सा सर्किल बनाइए। यहाँ पर आप ऐसे छोटे छोटे लाइनें ड्रॉ कर देंगे तो एक मोर का पंख भी बनके हमारा यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अब आपको बनाना है इनका ईयर। इधर से हाफ सर्किल बनाइए, यहाँ पर ऐसे ले जाइएगा। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। थोड़ा सा अंदर के साइड में ले जाएंगे, फिर यहाँ से बाहर की तरफ ले जाइएगा और इस वन नंबर के साथ आप लाकर मिला देंगे। सेम प्रोसेस आपको इस साइड में से रिपीट करना होगा। इधर करिए, फिर इस वन नंबर के साथ लाकर आप मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद इधर से आप यहाँ पर इस वाई लेटर पर हाफ सर्किल बनाते हुए इधर ले जाइएगा। छोटा सा यहाँ पर भी ऐसे कर दीजिएगा। इधर से आपको इसको डबल करना हो, देखिए कैसे करना है। यहाँ से ऐसे ले जाइए, एक लाइन ड्रॉ करिएगा, एक छोटी सी लाइन आप इधर ऐसे बढ़ाएंगे, फिर ऊपर के साइड में एक हाफ सर्किल बनाइएगा, यहाँ से ऐसे ले जाइए, और इधर से भी नीचे के साइड में भी हाफ सर्किल बनाइएगा और इसको हमें ऐसे मिलाना होगा। एक छोटी सी लाइन इधर बढ़ाइए, एक यहाँ पे बना देंगे। और दोस्तों, अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। अब यहाँ तक हो जाने के बाद इधर से एक लाइन ड्रॉ करिएगा, छोटी सी इधर से भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको Z लेटर का क्या करना है। यहाँ से पहले तो इसको आप डबल कर दीजिएगा। डबल करने के बाद छोटा सा हाफ सर्किल, फिर आगे की तरफ बढ़ाइएगा और इसको हम यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ से देखिएगा, आपको ऐसे ऊपर के साइड में ले जाना होगा, छोटा सा हाफ सर्किल बनाते हुए, फिर नीचे के साइड में ले जाइएगा, इस लाइन को आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ा देंगे। इधर से डबल कर दीजिए। डबल करने के बाद यहाँ से भी आप एक लाइन ड्रॉ करिए, एक यानी कि एक यू लेटर लिखना होगा बड़ा सा, इधर ले जाइएगा और इसको हमें ऐसे नीचे के साइड में लाइन को बढ़ाना होगा। इधर डबल करिएगा और इस साइड भी एक छोटा सा आप यहाँ पर इनका लेग बना देंगे। लेग बनाने के बाद एक यू लेटर लिखिए, फिर ऊपर के साइड में ले जाइएगा और थोड़ा बड़ा करिएगा, इससे और बड़ा, फिर यहाँ पर छोटा एक थ्री नंबर लिखिएगा और यहाँ पर हम ऐसे मिला देंगे तो इनका हैंड बन के तैयार हो जाएगा। छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ करते हुए डबल कर दीजिए। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट करिएगा, छोटा सा यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक आपको सर्किल बनाना होगा, फिर इस सर्किल को डबल भी कर दीजिएगा। डबल करने के बाद एक लाइन इधर बढ़ा दीजिए, एक छोटी सी लाइन आप इस साइड भी ऐसे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ तक हो जाने के बाद एक लाइन आगे के साइड में भी बढ़ा दीजिएगा दोस्तों, फिर इधर से भी एक छोटी सी लाइन आप आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। बढ़ाने के बाद जैसे आपने इधर किया है, इसी तरह सेम प्रोसेस आपको इस साइड भी रिपीट करना होगा।
छोटा सा हाफ सर्किल, फिर एक लाइन ड्रॉ करिए, इधर डबल करिएगा और भगवान गणेश जी के लिए यहाँ पर एक बड़ा सा मोदक लड्डू बना दीजिए। लड्डू बनाने के बाद छोटे छोटे हाफ सर्किल बनाते हुए इधर ले जाइए, फिर ऊपर के साइड में ले जाइएगा, इधर से आप ऐसे डबल कर देंगे। डबल करने के बाद एक लाइन इधर ड्रॉ करिएगा, फिर यहाँ से ऐसे नीचे के साइड में भी, इस साइड भी ऐसे रिपीट कर दीजिए। अब आपको भगवान गणेश जी का आई बनाना है। आई बनाने के लिए पहले तो आप एक पेंसिल लीजिएगा, पेंसिल की हेल्प से यहाँ पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक यहाँ पे पॉइंट बना दीजिए, एक छोटा सा लाइन यहाँ पे भी ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको बनाना है भगवान गणेश जी का आई। इससे पहले एक लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ पर ड्रॉ करिएगा छोटा सा हाफ सर्किल, फिर एक छोटा सा पॉइंट लगा दीजिएगा। पॉइंट लगाने के बाद ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे हमने छोटी सी लाइन ड्रॉ किया है इधर ही आपको भगवान गणेश जी का आई बनाना है। यहाँ पर ऐसे करिए, सर्किल बनाइए, ब्लैक कर दीजिए, फिर आई ब्रो बना दीजिएगा। इसी तरह सेम प्रोसेस आपको इधर भी ऐसे रिपीट करना होगा। यहाँ पर ऐसे करिए, हाफ सर्किल बनाते हुए एक छोटा सा लिप्स बना दीजिएगा, फिर यहाँ पर सर्किल बनाइए और इधर आईब्रो बना दीजिएगा। थोड़ा सा इसको और हम डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद बीच में आप बहुत ही सावधानीपूर्वक ओम लिख दीजिएगा, इधर छोटा सा पॉइंट लगा दीजिए। इस साइड आप इसको डबल कर देंगे, यहाँ पर भी आप ऐसे डबल कर दीजिएगा। अगर आप भगवान गणेश जी को कलर करना चाहते हैं तो कलर भी कर सकते हैं, या पेंसिल की हेल्प से शेड देना चाहते हैं तो आप शेड भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें हमारा यहाँ पर भी हो जाएगा, इस साइड भी छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम भगवान गणेश जी को कलर भी करना सीख लेते हैं।